नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कोलकाता जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है रेलवे NTPC परीक्षा 2021 का, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या होगा, फिर रॉ मार्क्स कितना लाना होगा तो भी आपका तभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर पार कर पाएगा। और ये जो आप लोग का अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये सस्पेंस है कि 45 प्लस नंबर है मेरा तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या 42-43 के आसपास जिसका नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे मन में प्रॉब्लम है, सवाल है कि मेरे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, CBT 2 के लिए इतना कम मार्क्स है, 42 है, 43 है। तो सारे पॉइंट को मैं डिटेल बाय डिटेल आप लोग को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और आपके फ्रेंड किसी ने कोलकाता जोन से एग्जाम दिया तो ये वीडियो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसको उसको ये वीडियो के थ्रू उसका कट ऑफ पार हो रहा है नहीं हो रहा है उसके उसको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ, तो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ रेलवे NTPC 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग को यहाँ से एक पता चले कि हाँ इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ कि रेलवे NTPC 2015 जो हुआ थी, रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में कोलकाता जोन का, टोटल 1408 वैकेंसी था। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन 2015 फ्रॉम कोलकाता जोन। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि टोटल वैकेंसी जो थी वो 1408 थी, और उसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे CBT 2 के लिए 21,123 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए थे, जो 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी है, यानी 1408 का 15 गुना ये सेलेक्टेड हुए थे CBT 2 के लिए, ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ का। तो कट ऑफ जो गया था रेलवे NTPC एग्ज़ाम का जो हुआ था 2015, उसका कट ऑफ गया था जनरल का गया था 79.5, OBC का कट ऑफ गया था 71.53, SC का कट ऑफ जो है वो गया था 67.07, और ST का जो कट ऑफ वो गया था 52.92। तो इस बार का जो दौरे कैश का जो है आप लोग का सेफ स्कोर क्या जा सकता है, तो हम लोग इसका बारे में बात करते हैं। तो इसके थ्रू आप लोग को एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ रेलवे NTPC परीक्षा 2015 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार ही कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें रॉ मार्क्स की, तो अगर आपका UR में रॉ मार्क्स से अगर 54 प्लस आ रहा है तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। आपका जो है अगर शिफ्ट कोई भी हो तो आप CBT 2 के लिए इजी वे से क्वालिफाइड कर सकते हो, और आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। OBC की बात कर ले तो OBC का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रो मार्क्स का, मैं आप लोग बता दूँ, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आप लोग को रो मार्क्स का बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जो OBC का जो 51 प्लस अगर आपको जा रहा है रो मार्क्स, तो आप लोग को CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अगर EWS की हम बात कर लेते हैं तो EWS का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी ये आपका रो मार्क्स का कट ऑफ है, तो यहाँ पे 48 प्लस जा सकता है, क्योंकि 48 प्लस इतना कम इसलिए जा सकता है क्योंकि जो ये फॉर्म आया था 2019 में, तो हम लोग बात कर लेते हैं उस टाइम EWS का बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है EWS से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो वो UR का डिग्री से फॉर्म फिलअप किए थे। तो EWS का कट ऑफ जो है इस बार हम कम देख सकते हैं रेलवे NTPC परीक्षा 2021 में। तो हम बात कर लेते हैं SC और ST के बारे में। तो SC की बात कर लें तो उसका जो रो मार्क का स्कोर है वो जा सकता है 45 प्लस, और ST का बात कर लेते हैं तो उसका कट ऑफ जा सकता है 42 प्लस, ये आपका रो मार्क्स का हो गया। तो अगर हम बात कर लेते हैं रेलवे NTPC परीक्षा 2019 का जो कोलकाता जोन का वैकेंसी है, टोटल 2022 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NTPC 2019 में जो कोलकाता जोन की टोटल वैकेंसी थी वहाँ पे 3022 थी, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन 2019 फ्रॉम कोलकाता जोन 60,440। तो आप लोग का यहाँ पर जो है 20 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी जो 3022 का 20 गुना करते हैं तो आपका 60,440 स्टूडेंट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेगी RRB। तो अगर हम यहाँ पर जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद RRB NTPC CBT और कोलकाता जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो मैं आप लोग बता दूँ यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अगर आपका आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद 66 से 71। OBC की बात कर लें तो 62 से 65 जा सकता है। EWS की कट ऑफ की बात कर लें तो 58 से 61 के भी जा सकता है।
और एससी की बात कर लें तो 56 से 60 के बीच जा सकता है, एसटी की बात कर लें तो 51 से 55 के बीच जा सकता है आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद। उसके बाद यहाँ हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को शुरू बताया था कि 45 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताता हूँ। तो गाइस आप लोग बता दूँ कि 45 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका जो है शिफ्ट कौन सा शिफ्ट था, अगर आपका शिफ्ट इजी है या हार्ड है या मॉडरेट है या किस डेट को पढ़ा था, ये सब आपका फैक्टर डिपेंड करता है कि आप लोग का किस डेट को एग्ज़ाम पढ़ा था, शिफ्ट जो था इजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। तो मैं आपको बता दूं अगर 45 प्लस में अगर आप लोग ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस से, तो आप लोग का सिलेक्शन का चांसेज है और आपका बनता है अगर आपका शिफ्ट जो है मॉडरेट और हार्ड है। अगर आप सोचोगे कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ 45 प्लस ला रहा हूँ, तो आप लोग का मेरे ख्याल से सिलेक्शन नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। अगर आपका शिफ्ट बहुत हार्ड है तो ही आपका कुछ यहाँ चांस बन सकता है। और अगर हम बात कर लेते हैं एसटी सबकी 45 प्लस का, तो क्या आप लोग एसटी का हो एसटी के हो तो आप लोग टेंशन नहीं लो, आप आराम से 72 की तैयारी करो, आप लोग का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद भी। यानी आप लोग का शिफ्ट इजी है तो आप लोग का 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं और या तो यहाँ पे घट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आप लोग का 5 से 10 के बीच जो है मार्क्स बढ़ सकते हैं, और मॉडरेट भी है तो 5 to 8 आपके मार्क्स जो बढ़ सकते हैं। अगर बहुत हार्ड शिफ्ट है तो आपका यहाँ से 10 से 15 नंबर भी आप लोग का इजी वे में बढ़ सकता है, इतना बस जान लीजिए। और आपका इजी शिफ्ट है तो 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे भी या घटेंगे, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है इजी शिफ्ट वालों का, क्योंकि ग्रुप डी मैंने देखा था कि बहुत सारे का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 72-67 आ गया था, 67 आ गया था, और जिसका 55 नंबर था हार्ड शिफ्ट था 55 से 75-80 चला गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग के यहाँ पर कट ऑफ का क्या फैक्टर है, आप लोग का शिफ्ट पे डिपेंड करता है इजी या हार्ड है। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।